हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके चलेंगे तो आपको पास पुलिस वाले फाइन नहीं कर पाएंगे, जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो फाइन नहीं कर पाएंगे। बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था मेरे पास कि आप जोरेक्स, जी हाँ, जो हार्ड कोर कॉपी जो ओरिजिनल होता है उसको ना लेकर आप अगर यदि जोरेक्स लेके चलते हैं तो आपको फाइन कर सकती है क्या? तो जी हाँ, ये 100% आपको फाइन कर सकती है। वो पुलिस वाले पर, जो ट्रैफिक पुलिस में है, उस पर डिपेंड करता है को वो फाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट लीगली वो ऐसा होता है कि उसमें आपको जोरेक्स वैलिड नहीं करता है, अगर यदि आपका जो जोरेक्स पेपर है वो अटेस्टेड नहीं है तो। जी हाँ, ये कोर्ट से अटेस्टेड करवाना पड़ता है या फिर जो ट्रैफिक पुलिस वाले अटेस्टेड करते हैं, जो कि आपको ओरिजिनल हार्ड कोर कॉपी जो ओरिजिनल होता है उसको देख के ही वो अटेस्टेड करती है, जो कोर्ट के द्वारा होता है या फिर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा होता है। ये अगर यदि अटेस्टेड नहीं है तो वो इनवैलिड माना जाता है और इस केस में आपको फाइन कर सकती है। बट पुलिस वाले नहीं करते हैं, वो उसका बड़कपन है। बट इस केस में आपको चाहे पुलिस वाले तो फाइन कर सकती है। तो ये जो जोरेक्स वाली थ्योरी है वो 100% आपको है कि आप क्लियर है कि आपको फाइन कर सकते हैं। पुलिस वाले नहीं फाइन करते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है। बट लीगली वो फाइन कर सकती है कि यदि आपका जो जोरेक्स है वो अटेस्टेड नहीं है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जो जोरेक्स पेपर है वो इनवैलिड होता है जब तक वो अटेस्टेड नहीं है। तब वो अटेस्टेड हो जाएगा, जो कोर्ट से अटेस्टेड करवाना पड़ता है, जो ओरिजिनल देख के आपको जो जोरेक्स में अटेस्टेड कर देती है, वो सील मार देती है, तो वो अटेस्टेड हो जाती है। तो एक तरफ से वो ओरिजिनल कॉपी ही बन जाती है। तो इस केस में आपको अगर यदि सिर्फ आपको पास प्लेन जोरेक्स है तो पुलिस वाले चाहे तो फाइन कर सकती है। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद मैं इस वीडियो के टॉपिक में आता हूँ कि क्या डॉक्यूमेंट बिना कैरी किए हुए आपको फाइन कर सकती है। तो जी हाँ, आप ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपको पास कोई भी पेपर नहीं है, जी हाँ, हार्ड कॉपी आपके पास कोई भी नहीं है, फिर भी आप चाहें तो पुलिस के ट्रैफिक रूल को वायलेंट भी नहीं करेंगे और आपको जो ट्रैफिक पुलिस वाले फाइन भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, जो लगभग आज से 2 या 3 साल पहले जो डिजी लॉकर नाम का एक जो गवर्नमेंट का ऐप है, वो डिजी लॉकर नाम का एक ऐप है, उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट डिजिटल वाइज आप कैरी कर सकते हैं। जी हाँ, डिजी लॉकर का बहुत लोग यूज़ नहीं करते हैं, बट ये वैलिड है और 100% गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज किया हुआ है। आप इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप कैरी कर सकते हैं और जो भी फोटो और कोई भी इसमें जो ओरिजिनल है उसको मात्र आप फोटो स्कैन करके या फिर आप फोटो खींच के वो सारे को डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हैं। और ये आधार कार्ड के द्वारा लिंक होता है, जो कि आपको OTP जनरेट करके, जो आपको जो रजिस्टर नंबर होता है जो आधार के साथ, उसको OTP जनरेट करके ये लीगली रजिस्टर करना पड़ता है। और रजिस्टर करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर में अपलोड करने पड़ते हैं, जिसमें आपका लाइसेंस हो गया, RC बुक हो गया, इंश्योरेंस हो गया या फिर आप PUC हो गया, सारी चीज़ आप अपलोड कर देंगे तो वो उसको भी आप एज ए वैलिड आप जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले, उनको दिखा सकते हैं और ये वैल्यूड माना जाता है। आपके पास जो हार्ड कॉपी है नहीं भी है तो भी आपके पास अगर ये डिजी लॉकर आप यूज़ करते हैं, डिजी लॉकर का ऐप यूज़ करते हैं, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि आपको सारा जो डॉक्यूमेंट है आपके पास है वो सारा ऑथराइजेशन होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा ही। जब डिजिटल इंडिया का जब शुरुआत किया गया था तो उस समय गवर्नमेंट ने ही इसको लॉन्च किया था और वो डिजिटलाइज करने के लिए ये सारा चीज़ लॉन्च किया था। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट मैं आपको बता दूँ कि आपके पास अगर डिजी लॉकर आप ये यूज़ करते हैं, डिजी लॉकर में सारा डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, तो आपको हार्ड कॉपी रखने का कोई ज़रूरत नहीं। आप हार्ड कॉपी नहीं भी रखते हैं तो भी आप डिजी लॉकर में आपका सारा डॉक्यूमेंट है तो आप डिजी लॉकर के द्वारा भी अपना लाइसेंस दिखा सकते हैं, जो कार या बाइक का RC बुक दिखा सकते हैं, इंश्योरेंस दिखा सकते हैं या फिर PUC पेपर दिखा सकते हैं, सारा चीज़ आप डिजी लॉकर के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो ये एक लीगल प्रोसीजर होता है जो आपको आधार कार्ड के साथ आपको रजिस्टर करते टाइम जब डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल करेंगे आप अपने स्मार्टफोन में, तो उसको आधार कार्ड के साथ लिंक करना पड़ेगा, आधार कार्ड के साथ लिंक करके उसको लीगली सारे अपलोड करने पड़ते हैं और एक बार अपलोड। तो गाइस, डिजी लॉकर के द्वारा भी आप सारे अपने जो लीगल डॉक्यूमेंट है, आप सिर्फ बाइक या कार के पेपर नहीं, आपके पास पेन है या फिर कोई सर्टिफिकेट है, एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट है, उसको भी आप डिजी लॉकर में कैरी कर सकते हैं और कहीं भी उसको शो कर सकते हैं, एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हैं और आपको 100% वैलिड माना जाएगा। तो आप डिजी लॉकर के द्वारा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको ट्रैफिक पुलिस
वाले फाइन नहीं कर पाएंगे, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं हो तो उस केस में भी आप एज ए डिजिटल पेपर उसको अपलोड करके अपने डिजीलॉकर में सेव रख सकते हैं। और ये डिजीलॉकर जो होता है आधार कार्ड के साथ लिंक करके जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP जनरेट करके इसमें अकाउंट क्रिएट किया जाता है, जो कि लीगली सा कुछ होता है। और ये डॉक्यूमेंट आप कहीं भी वैलिड कर सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया के थ्रू जब स्टार्टिंग हुआ था उसी टाइम ये डिजीलॉकर स्टार्ट किया गया था। बट शुरू के फेज में बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते थे, बट अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है। तो मैं आप लोगों को के साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये डिजीलॉकर जो ऐप है वो प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है, और आप अगर यदि आईफोन वगैरह यूज़ करते हैं तो ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। आप कहीं से भी उसको डाउनलोड करके इसमें सारा जो लीगल डॉक्यूमेंट है आप सारे का सारा अपलोड करके आप कहीं भी शो कर सकते हैं, और ये वैलिड माना जाता है। आप ट्रैफिक पुलिस में दिखा सकते हैं, या फिर आपको इस एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या फिर सर्टिफिकेट है, पढ़ाई से लिखाई से रिलेटेड भी सर्टिफिकेट है, तो उसको भी आप उसमें अपलोड करके रख सकते हैं और कहीं भी एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट आप शो कर सकते हैं। ये सारा वैलिड माना जाता है। तो गाइस बस ये इसको मैं एक पिछले वीडियो में ही बताने वाला था, बट वो उसमें अगर जो इसको इंक्लूड करता डिजीलॉकर का तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता, जो शायद देखने में आप लोगों को बोर होता। तो आप ये इसको डिजिटल जो डॉक्यूमेंट है उसको एज ए डिजीलॉकर ऐप आप इंस्टॉल करके आप एज ए डिजिटल डॉक्यूमेंट उसको कहीं भी शो कर सकते हैं, आप पुलिस को शो कर सकते हैं और आप पर फाइन नहीं किया जाता जा सकता है। तो मैं इसीलिए वो पिछले वीडियो में बताया था आपको कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होती है तो क्या आपको अगर यदि पुलिस वाले आपके कार है या बाइक है तो फाइन कर सकते हैं? तो जी नहीं, आपके पास अगर यदि हार्ड कॉपी नहीं है तो आपके पास डिजीलॉकर ऐप है और आपके सारे डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर में है तो आप उसको एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं और आपको फाइन नहीं कर सकता है, जो कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको फाइन नहीं कर सकता, और सारे जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल माने जाते हैं। तो गाइस बस ये थी एक छोटी सी जानकारी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा लगा तो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट में फॉलो कर सकते हैं, सारे का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मिलते हैं कुछ नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, कोई नई बात करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। Ripples fade away. Human hearts aren't so lucky. Those battle scars remain.